भवानी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी ऑफिस जयपुर से। भवानी, तो वहां तो लोग पहुंच गए। देखिए बिल्कुल, किशोर पहुंचना शुरू हो गया और बीजेपी के कई नेता पहुंच चुके हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत है बीजेपी के सीनियर नेता। पहले एक आपको ये दिखा देता हूं, इन तैयारियों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। स्क्रीन लग गई है, यहाँ पर बलून लग गए हैं और पूरे ऑफिस के अंदर एक तरह से इंतजार ही हो रहा है। क्या आप पूरा विश्वास है राजेंद्र सिंह जी, आपने तो पूरी तैयारी कर ली है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है और राजस्थान में स्पष्ट बहुमत मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। आपको पूरा विश्वास है, लेकिन तैयारी तो कांग्रेस ने भी कर ली है। ऐसा है, कांग्रेस ने जाने की तैयारी करी है। पिछले 5 साल जनता भोग चुकी है, किस तरह से ये सरकार किसान विरोधी रही है, किस तरह युवाओं की विरोधी अच्छा, रही है। मिठाई कब आएगी ये बताएं। बाकी क्या तैयारी की, सेलिब्रेशन की तैयारी की आपने? हाँ, पूरी तैयारी है सेलिब्रेशन की। क्या क्या मंगवाया? एलईडी लगवाई गई है, मिठाई भी बन रही है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई संशय ही नहीं है, पूरा बहुमत मिलने वाला है। कितना मिलेंगे सीटें? ऐसा है, राजस्थान की जनता आशीर्वाद देती है ना, तो पूरा देती है। आप इस इतिहास को याद रखोगे कि 160 से ज़्यादा सीटें आने वाली है। आप देखिए कि दावा देखिए कि 160 से ज़्यादा, लेकिन अशोक गहलोत की भी पूरी तैयारी है। उनको पूरी उम्मीद है कि उनकी योजनाओं के दम पर वो वापस आ सकते हैं। वहाँ कांग्रेस में संशय का माहौल जरूर है, लेकिन बीजेपी यहाँ पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जी किशोर जी, हाँ चलिए आप उधर चलते हैं फिर, भोपाल मनोज के पास। वो शिवराज सिंह के घर के पास बाहर मौजूद हैं। मनोज, उधर बीजेपी राजस्थान में तो पूरी तैयारियां करके बैठी है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की तैयारी तो है। जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे उसके बाद से लगातार बीजेपी में एक जैसे कहें उत्सव का माहौल 2 दिन तक बना रहा। उसके बाद लेकिन सट्टा बाजार के जब वो सामने आए और उसमें कहा गया कि कांटे की टक्कर है, तो वो कांटे की टक्कर की बात जब आई तो उसके बाद थोड़ा सा उत्साह कम हुआ। मगर बीजेपी आज भी मानती है, खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि अगर कांग्रेस कहती है तो कांटे की टक्कर अगर ये है तो जो कांटा था वो लाडली बहना योजना ने उनकी राह से वो कांटा निकाल दिया है। अभी शिवराज सिंह चौहान के घर पर आप देखिए तो यहाँ पर रोज़ की तरह, हालांकि थोड़ी कोहरे वाली सुबह है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमूमन सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पूजा पाठ चल रहा होगा। और आज का दिन सीएम हाउस के लिए इसलिए अहम होता है, ये जगह इसलिए इम्पोर्टेंट है किशोर, क्योंकि यहाँ पर 16 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है शिवराज सिंह चौहान को रहते हुए। बीच में 15 महीने का छोटा सा वक्त था जब कमलनाथ यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, उसके बाद दोबारा शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आ गए। तो जाहिर तौर पर सारे सत्ता के जो गलियारे हैं उनके रास्ते ख़त्म तो आकर यहीं सीएम हाउस में होते हैं, तो बस लड़ाई इसी बात की है कि आखिर शाम तक जो नतीजे होंगे वो तय करेंगे कि इस हाउस में, इस सीएम हाउस में कौन रहेगा। जी जी, अच्छा उधर अब चलते हैं नीरज के पास। नीरज, आप कहाँ पर हैं, आपके बीजेपी सन्नाटा है? किशोर बिल्कुल, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अशोक गहलोत की आवास 8 सिविल लाइन्स पे, और आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे प्रताप सिंह खासरी आवास का, उनका विधानसभा क्षेत्र भी यही है। वो कल से बात नहीं कर रहे, लेकिन अशोक गहलोत ने दावा किया, आज रात बीती रात तक उन्होंने बड़ी बैठक की थी, उसमें ये दावा किया है कि वो एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। देखिए अगर बीजेपी जश्न की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है रणनीति तैयार कर रही है। 10 बजे के बाद एक बैठक होगी, हुडा जो भूपेंद्र सिंह हुडा जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है वो आएंगे और तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अपने अंदर भी अंदरूनी राजनीति को भी साधना है। अगर हंग असेंबली आती है या फिर बहुमत भी आता है तो तमाम तैयारियां हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में दिख रहा है वो तैयारी कांग्रेस के अंदर नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी है। एक बार आपको तस्वीरें दिखा दे, हो सकता है थोड़ी देर बाद अशोक गहलोत निकले, 10 बजे की बैठक में वो भी शामिल हो, 10 बजे के बाद बैठक प्लानिंग है, लेकिन अभी जो है यहाँ सन्नाटा है। थोड़ी देर बाद उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार रुझान आएगा तो यहाँ कार्यकर्ताओं का जुटान होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, अब ये अच्छा, ये सारे नतीजे जो हैं ये हमारे को आएंगे लाइव रिजल्ट हब से, क्योंकि वो सीधा काउंटिंग सेंटर से जुड़ा हुआ है और वहां से सीधा हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। चालनी, वहां क्या तैयारी है? अब यहाँ भी तैयारी पूरी हो चुकी है किशोर, हमने अलग अलग डेस्क बनाई हुई है अलग अलग राज्यों के लिए, क्योंकि 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। अभी जिधर मैं खड़ी हूँ यहाँ से राजस्थान का जो रिजल्ट आएगा वो आपको दिखाया जाएगा, इसके ठीक बगल में इधर मध्य प्रदेश की डेस्क हमने बनाई है और इसके ठीक सामने इधर छत्तीसगढ़ की डेस्क बनी हुई है। जिस तरह से अभी पार्टी दफ्तर के बाहर हमने देखा कि थोड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है,
8 बजे के बाद जब बैलेट बॉक्स खुलेगा उसके बाद शायद यहां पर भी एक्टिवनेस हम और ज्यादा आपको दिखा पाएंगे किशोर। लेकिन हमने देखा एग्जिट पोल में कैसे ज्यादातर जगह पर टफ फाइट दिखाई दी, तो वो टफ फाइट क्या आज इजी फाइट में तब्दील हो जाएगी या फिर मैच 2020 का ही चलता रहेगा, ये सारी चीजें यही रिजल्ट से खास चीज, क्योंकि आप स्टूडियो में बैठकर गेस्ट के साथ जिन चीजों के ऊपर बातचीत और चर्चा करने वाले किशोर, उसका डेटा यही लाइव रिजल्ट हब से मिलेगा और वो लगातार आप तक मैं पहुंचाती रहूंगी। और खास करके वीआईपी कैंडिडेट स्क्रीन के ऊपर तो हम दिखाएंगे किशोर कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, लेकिन मतों का अंतर कितना है और अभी क्या स्थिति उनकी बनी हुई है, कौन आगे है, पीछे, ये सारी चीजें यही लाइव रिजल्ट हब से आप तक पहुंचती रहेंगी, दर्शकों तक पहुंचती रहेंगी। अब इंतजार सिर्फ 8 बजे का है कि जब ईवीएम का पिटारा खुले तो फिर डेटा का पिटारा लेकर के मैं भी दर्शकों के सामने पहुंचूं और बताऊं कि अभी क्या स्थिति चल रही है, ताकि उसके ऊपर जो रोमांचक मुकाबला चल रहा है। मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि बहुत ही दिलचस्प जगह शायद जसप्रीत पहुंच चुकी है। जसप्रीत, क्या हो रहा है चाय दुकान पे? बिल्कुल किशोर, हम हनुमंत राव के घर के बाहर मौजूद हैं। जब तक वो तैयार हो रहे हैं हम सोच रहे थे कि चाय की टपरी पर जो ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं इनसे रिएक्शन ले लेते हैं। किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, आज काउंटिंग है? केसीआर। केसीआर? केसीआर क्यों? बिकॉज़ वी सी इन द हिस्ट्री ही वाज द, अगर हिंदी में आप बता पाए। हाँ, पिछले टाइम से देख रहे हैं कि केसीआर ही है। ही डन लॉट ऑफ अच्छा काम किया। यस। अच्छा, यस। क्या अच्छे काम किए हैं, स्टूडेंट्स को क्या फायदा हुआ है? मतलब कि हमारे थ्रू अच्छे काम किए उन्होंने, व्हाट आई सो, क्योंकि उन्होंने थैलेसीमिया के लिए ब्लड कैंप लगाया था जिसके लिए मैंने खुद ब्लड डोनेट किया था। अच्छा, यस। यस, तो केसीआर ही मुख्यमंत्री होंगे, आपको क्या लग रहा है? नो आईडिया मैम। कोई आईडिया नहीं? आप पॉलिटिक्स में हैं? क्या कर रहे हैं आप, क्या करते हैं? होटल मैनेजमेंट। पढ़ाई कर रहे हैं? वोट दिया नहीं दिया? लेके आए हो, मतलब बिना सोचे समझे वोट दे दिया था? वोट नहीं, मैं आका नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, ये आप चाय बना रहे हैं, आज तो परिणाम आने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन होगा मुख्यमंत्री? अभी रेवंत रेड्डी का है। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं? अच्छा, रेवंत रेड्डी क्यों? अभी मैं हिंदी समझ में नहीं थे। हिंदी जितना अच्छा बोल रहे हो, हिंदी जितना बोल रहे हो समझ आ रहा है हमको, तेलुगु में बात करो तो अच्छा रहते सब। हाँ, बताइए। चलिए, ये नहीं बोल रहे हैं आप, कुछ और लोग हैं चाय की टपरी पर, आप बताइए किसको आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? अभी तो कांग्रेस वेव चल रहा है। कांग्रेस चल रहा है? कांग्रेस, अच्छा, वोट दिया था? वोट मैं बीजेपी दिया मैं। अच्छा, वोट बीजेपी को दिया और लग रहा है कि कांग्रेस कैसा? कांग्रेस सोचा अभी कांग्रेस आते हैं। कांग्रेस आती है? अच्छा, सीएम कौन होगा? सीएम रेवंत रेड्डी के। रेवंत रेड्डी पसंद है? रेवंत रेड्डी अच्छे, मतलब वोट बीजेपी को दिया, पसंद रेवंत रेड्डी ऐसा? सीएम कैंडिडेट रेवंत रेड्डी। तो देखिए किशोर, ऐसे भी लोग हैं बोल रहे हैं कि वोट दिया है बीजेपी को, कुछ और लोग आए हैं यहाँ पर, आप बताइए क्या लग रहा है, आज काउंटिंग डे है, किसकी सरकार बन रही है? टीआरएस की। टीआरएस? टीआरएस की। केसीआरई? अच्छा, क्यों, अच्छे काम किए 9 साल के शासन में? अच्छा, क्या क्या काम हुआ आपके इलाके में? सब अच्छा हुआ। सब अच्छा हुआ, मतलब केसीआर आंख बंद करके आप वोट दिया था? अच्छा, तो केसीआर क्यों? सीएम क्यों? केसीआर क्यों? अच्छा काम करे बल्कि इन्होंने उनको सपोर्ट। थोड़ा सा हिंदी में इनको दिक्कत हो रही है इसलिए पूरी बात नहीं कर पा रहे हैं, आप बताइए, आप भी चाय पीने आए हैं सुबह सुबह, राजनीति में इंटरेस्ट, पता है आज रिजल्ट है? जी जी। किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस। कांग्रेस की बन रही है? अच्छा, वोट कांग्रेस को दिया था? जी, हमने बीजेपी को दिया लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, खुश है आप कि कांग्रेस की बनेगी? कोई बात नहीं, खुश है। कोई बात नहीं, खुश है, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, मतलब केसीआर के अलावा कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब ठीक है? सब ठीक है। केसीआर क्यों नहीं? नहीं, चेंज होना चाहिए, देखेंगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट बता रहे हैं, पता नहीं, देखना अब ये लोग क्या करेंगे। देखिए किशोर, हम रेवंत रेड्डी के घर पर भी जाएंगे जो कि माना जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पाती है, लेकिन अलग अलग आपने प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सुनी।